तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं हम सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं के पिसंत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। और देख सकते हो मैं आ चुका हूं अभी खजूरी खास और दिखाने वाला हूं आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो वर्क चल रहा है वो देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, क्योंकि ये पहले ही पिलर का फाउंडेशन बनाकर और पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जा चुका है, यानी कि सरियाओं का जाल बना के खड़ा कर दिया जा चुका है। उधर के पिलर पहले ही बन चुके थे, अब ये वाले पिलर बचे हुए हैं देख सकते हो, और ये गर्डर्स रखे हुए हैं। तो आप लोगों को आगे चल के दिखाते हैं। आपको बता दूं कि जो इंटरचेंज का काम है दोस्तों, इस पर चढ़ने और उतरने के लिए उस पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, कुछ ये सीन है यहाँ का, देखो वो फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है। इसका जो रैंप है दोस्तों, ये चढ़ने उतरने के लिए दोस्तों, कि उधर से वाहन आएंगे और ये इधर आपको बता दूं पुरानी दिल्ली की साइड में चले जाएंगे, यानी कि सिग्नेचर ब्रिज के लिए दोस्तों। ये देखो ये पिलर है, ये यहाँ पर उधर से चढ़ता हुआ आ रहा है तो ये नीचे उतर रहा है। तस्वीर आप लोग देख सकते हो गाइस, तो ये नज़ारे हैं यहाँ के, किस तरीके से बनाया जा रहा है आप लोग देख सकते हो। कुछ यही वर्क चल रहा है, देखो ये पिलर, ये रैंप के ही पिलर हैं दोस्तों। पर आपको बता दूं कि गाइस जितने भी गर्डर्स हैं वो देखो यहाँ पर रखे हुए हैं, इनको असेंबल किया जा रहा है। जितने भी ये गर्डर्स हैं ये देखो, पहले यहाँ लड़के ये क्रिकेट बजाते थे लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये खजूरी का फ्लाई ओवर है दोस्तों, और वो पिंक लाइन है जो कि जा रही है आगे के लिए दोस्तों, और वो वहाँ पर सामने चमक रहा है सिग्नेचर ब्रिज गाइस। और देख सकते हो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पिलर उधर भी हैं और इधर भी हैं, जो बनने के लिए हैं दोस्तों। और इसका जो उतरने के लिए यहाँ पर, मतलब पुरानी दिल्ली जाने के लिए दोस्तों, ये सिग्नेचर ब्रिज पर जाने के लिए वो ये रैंप का सहारा लेंगे। जब हम दिल्ली से, जब हम सरायकाले खां से चढ़ेंगे और इधर हम क्या नाम है, इधर देहरादून की साइड में और बागपत साइड में जाएंगे, यानी कि पीछे के लिए जाएंगे, तब दोस्तों यहाँ से उतरने के लिए ये यहाँ पर रैंप बनाया जा रहा है, उस पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है। ये देख सकते हो कि अभी बीच वाली लाइन पर कोई वर्क नहीं चल रहा है, और यहाँ पर पिलर इसलिए ज़्यादा हाइट में है क्योंकि ये फ्लाईओवर को और पिंक लाइन मेट्रो को ये क्रॉस करेगा दोस्तों। ये सारा नज़ारा देखो, ये घूम रहा है ना इधर, इस तरीके से ऐसा घूम जाएगा, देख सकते हो ये पिलर है, इसके पिलर के इधर से ऐसा घूमेगा दोस्तों। ये देखो सारा सेटरिंग का यहाँ पर सामान रखा हुआ है, क्रेन मशीन भी है, और देखो वो पैराफिट वॉल हैं जो साइडों में भी लगाई जाती हैं, और ये गर्डर्स हैं दोस्तों, देख सकते हो कितने सारे गर्डर्स हैं जो इन पर रखे जा रहे हैं। एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जा रहा है, और कुछ गर्डर्स ये यहाँ पर रखे हुए हैं, ये भी इधर भी रखे हुए हैं। तो देख सकते हो ये वर्क चल रहा है यहाँ पर खजूरी में, ये खजूरी खास है दोस्तों, ये मेन चौराहा है। अब चलते हैं आगे, दिखाते हैं चलते हैं खजूरी पुश्ते का नज़ारा क्या है दोस्तों। इस फ्लाईओवर को क्रॉस करते हैं दोस्तों, दिखाते हैं आपको पाबी पुश्ते पे क्या कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का दोस्तों। तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं आप सभी को, कि ये बीच में ही, अब आपको बता दूँ यहाँ पर देखो एक पिलर ये रहा, एक पिलर बिल्कुल उसके जड़ में ही है, फ्लाईओवर के जड़ में दोस्तों, और फिर उसके बाद में उधर है देखो, तो इतना लंबा चौड़ा प्रोग्रेस है गाइस। ये है नज़ारे कुछ, ये देखो एक पिलर वो वहाँ पर दे रखा है, लेकिन उसमें कंक्रीट नहीं भरा गया है अभी तक, उसमें जल्दी ही भर जाएगा कंक्रीट, फिर उसके बाद में इसमें लॉन्चर लगा दिया जाएगा गाइस। तो चलते हैं इसे क्रॉस करके उधर का, दिखाते हैं चल के खजूरी पुश्ता। अब खजूरी पुश्ते का दिखाएँगे चल के आप सभी को दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा जाम रहता है दोस्तों आए दिन, और आज तो वैसे भी संडे है, पर संडे में भी देख सकते हो कि कितना जाम जूम है यहाँ पर, देखो चारों साइडों में आप लोग देख सकते हो। और इस पर पिंक लाइन का भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है गाइस, ये देख सकते हो। और एक पिलर दोस्तों देखो ये बनाया जा रहा है कितना लंबा चौड़ा, उसका अभी फाउंडेशन का काम किया जा रहा है, ये देख सकते हो ये फाउंडेशन बनाया जा रहा है इसका। और देखो सरिया ही सरिया लगा पड़ा है, कितना सारे सरिया हैं दोस्तों, ये देखो सारे में कंस्ट्रक्शन रहा, एक पिलर यहाँ खड़ा हो जाएगा, एक पिलर वो पीछे आप लोगों ने अभी देखा था, ये है दोस्तों
खजूरी पिस्ता, ये खजूरी खात है दोस्तों, ये देख सकते हो। और ये पिंक लाइन का पिलर है दोस्तों, ये फ्लाईओवर जा रहा है और उधर का आप लोगों को दिखाया ही है मैंने अभी, देख सकते हो। तो ये है खजूरी खात का मेट्रो स्टेशन पिंक लाइन का दोस्तों। और एक पिलर बस ये बचा हुआ है, तो इस पर भी देख सकते हो अभी फाउंडेशन बनाया जा रहा है, और फाउंडेशन बना के फिर इसको पिलर का स्ट्रक्चर इस पर खड़ा किया जाएगा दोस्तों। तो यही तीन है, और चलते हैं आगे, दिखाते चल के आप सभी को आगे का नज़ारा इनका है। देखो चलेंगे हम इस साइड में आगे खजूरी पिस्ता के लिए, इधर का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं चल के। देखो सारे पिलर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं सारे पे, देखो वो सेटिंग लगाई जा रही है और इन पर अभी पियर कैप बनाए जाएंगे दोस्तों। अभी इस पर पियर कैप का काम किया जाएगा, हाइट बहुत ज़्यादा भी हुई हुई है यहाँ पर, देखो चलते हैं आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को। गाइस ये मेरे पीछे वाला है खजूरी खास, और इससे हम आगे चलने लगे हैं अब पाबी पुस्ता। तो पाबी पुस्ते पर देख सकते हो यहाँ पर ये पिलर को, जो पिलर के ऊपर का हिस्सा है उसको कंक्रीट किया जा रहा है दोस्तों, मतलब कि आधे पिलर तो कंक्रीट कर दिए हैं, आधे पिलर अब किए जा रहे हैं। देखो सेटरिंग ये बिठाई जा रही है दोस्तों पाबी पुस्ते पर। जैसे जैसे हम पाबी पुस्ते से आगे चलते चले जाएंगे दोस्तों, वैसे वैसे ये फ्लाईओवर नीचे उतरता चला जाएगा। और आपको बता दो ये दोस्तों, ये एलिवेटेड पार्ट ये आपका स्टार्ट होता है दोस्तों, कहाँ से, गीता कॉलोनी से ये स्टार्ट होता है एलिवेटेड पार्ट। और ये दोस्तों ये आपको बता दूं कि पाबी पुस्ते में जाकर ये इसका एंड होता है। तो अब ये आगे उतरने वाला, तो देख सकते हो फाउंडेशन बना के पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है और इसमें कंक्रीट भी भर दिया है, मतलब कि नीचे तक ऊपर का अब कंक्रीट इसमें भरा जाएगा। इसमें पहले रिंग लगाए जाएंगे फिर इसमें कंक्रीट भरा जाएगा दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को अभी आगे देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से इसमें कंक्रीट भरा जाता है पिलर के अंदर दोस्तों। क्योंकि पिलर खड़ा करने में ही जो टाइम लगता है वो लगता है, बाकी तो इसमें पियर कैप बहुत जल्दी तेज़ी के साथ में बन जाते हैं दोस्तों। देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, यहाँ से ये स्टार्ट हो गया, देखो ये ट्रकों द्वारा इसमें कॉन्क्रीट भरा जा रहा है दोस्तों। इसके अंदर पिलर के अंदर किस तरीके से कंक्रीट भरा जाता है देख सकते हो, ये सेटिंग लगी हुई है और मशीन द्वारा इसमें कंक्रीट की जा रही है। देख सकते हो ये हम आ रहे हैं खजूरी की साइड से, खजूरी खास की तरफ से, और देख सकते हो किस तरीके से ये पियर कैप बनाया जा रहा है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो ये इस तरीके से, जहाँ स्पेस होता है वहाँ तो ये इसमें पिलर में ही कनेक्ट किया जाता है। देख सकते हो एक पिलर ये है लोहे का, एक पिलर उधर है, फिर इसको सेटिंग बिठा कर और फिर इसमें ही मतलब कि पियर कैप बना दिया जाएगा दोस्तों। और जहाँ जहाँ स्पेस नहीं था वहाँ ये आपको बता दो कि विंग्स को ऐड किया जा रहा है, पियर कैप बनाया जा रहा है विंग्स के थ्रू, जैसे कि आपको आगे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों मंडोला बिहार में। तस्वीर आप लोग देख सकते हो किस तरीके से ये पियर कैप का काम किया जा रहा है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस को बनाया जा रहा है दोस्तों। जो रूट है वो 210 किलोमीटर का रूट है दोस्तों, 13,000 करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा है पूरा रूट, और ये सन 2024 में आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, बनके कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और इसका आप सभी को ग्रीन फील्ड एरिया भी आप लोगों को अगले वीक्स देखने के लिए मिलेगा ग्रीन फील्ड के, उस पर क्या कुछ वर्क चल रहा है। तो केपी संत के चैनल पर ऐसे ही वीडियोस देखते रहो दोस्तों, केपी संत लाता रहता है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। और थोड़ा सा भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आप सभी को तो हमें लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। पियर कैप बनाने का काम चल रहा है और यह है दोस्तों पाबी पुस्ता, देखो ये बन चुके हैं ना पियर कैप। अब यहाँ से आगे चलते हैं और आगे का आपको व्यू दिखाते हैं चल के, का आगे क्या कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो ये पियर कैप बन चुके हैं, आगे और भी पियर आपको दिखाई देंगे, उनका सारे में ही पियर कैप बन चुका है। अब इन पर बस गडर लॉन्चिंग करनी है, बाकी रह गया गडर लॉन्चिंग करते जाएंगे और इस पर फ्लोरिंग का काम करते चले जाएंगे दोस्तों। देख सकते हो ये
जिस तरीके से उधर से आ रहा था खजूरी की साइड से, और देखो ये अभी यहाँ पर ये पियर छोटे होते चले जा रहे हैं और ये यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर आ जाएगा एक्सप्रेस वे। और दोस्तों आगे आप लोगों को टोल प्लाजा भी देखने के लिए मिलेगा, पाबी पुश्ते के बीच में बनाया जा रहा है टोल प्लाजा। तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जिन्हें टोल प्लाजा पर नहीं चल रहा है, जिन्हें दिल्ली नहीं जाना है, यानी कि सरायकाले खां और आपका प्रगति मैदान नहीं जाना है इस एक्सप्रेसवे से, तो वो लोग नीचे होकर आएंगे दोस्तों, है ना कमाल का। देखो जिसे जाम में फंसना है वो तो नीचे से आएगा, जिसे जाम में नहीं फंसना वो तो भाई टोल देगा ही देगा। तस्वीरें देख सकते हो, यहाँ पर ये एंड हो चुका है इसका एक्सप्रेसवे का, अब ये ग्राउंड लेवल पर स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हो गटर रखे हुए हैं दोनों साइड में, ये रोड चौड़ा करने का काम चल रहा है दोस्तों। अब आपको चमकेगा कि एक्सप्रेसवे क्लियर तरीके से, देखो ये साइडों में आपको बता दो लेन बनाने का काम चल रहा है, वो ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, यानी कि मिट्टी को डाला जा रहा है और अर्थवर्क का काम किया जा रहा है दोस्तों। अभी आपको बता दूं कि जो लोकल ट्रैफिक के लिए लेन दी जाएंगी वो तो नीचे रहेंगी, और जो एक्सप्रेस लेन होने वाली हैं वो थोड़ी ऊंचाई पर रहेंगी दोस्तों। देख सकते हो तस्वीरें, पहले तो ये लोकल ट्रैफिक के लिए ये बना रहे हैं नीचे की लाइन, फिर उसके बाद में बनाएंगे एक्सप्रेस की लाइन जो 6 लेन होने वाली हैं, 3 लेन इस साइड में 3 लेन उस साइड में होने वाली हैं दोस्तों। देख सकते हो आप लोग व्यू, क्या ही व्यू है यहाँ का भाई साहब, पाबी पुश्ते का तेजी के साथ में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तेजी के साथ में दिन रात यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और जो हमारी NHAI की जो कहना है दोस्तों, जो टीम है उसका कहना है कि भाई साहब सन 2024 तक ये कंप्लीट करके देना है, और जो कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है वो है गवहार कंस्ट्रक्शन के द्वारा इसको बनाया जा रहा है, और आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी सीगल कंपनी। तो पैकेज फर्स्ट में दो पैकेज हैं दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड। तो आपको दिल्ली के अंदर तो मिलेगी गवहार कंस्ट्रक्शन, जो कि दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ख़त्म हो जाता है गवहार कंस्ट्रक्शन का काम, पर उसके बाद में सेकंड नंबर पर फिर दूसरा पैकेज स्टार्ट हो जाता है दोस्तों सीगल कंपनी द्वारा, जो कि बागपत बॉर्डर तक जाएगा लेकर दोस्तों। तो यही कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, देख सकते हो DBM की लेयर का काम हो चुका है, इस लेफ्ट हैंड पर देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। तो आप लोग बता सकते हो कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। देख सकते हो अब हम ऊपर काम वर्क चल रहा है, तो नीचे फिर इसको काट दिया जा चुका है DBM लेयर का, इस पर वर्क हो चुका है और इस पर ड्रेजन सिस्टम भी बन चुका है, देख सकते हो ये लेफ्ट हैंड पे देखने के लिए मिलेगा। और आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि पिलर के ऊपर दोस्तों क्या बनाया गया है, अंडरपास दोस्तों, ये देख सकते हो तस्वीर है कुछ ऐसा, ये बनाया जा रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को, जो कि ग्राउंड लेवल पर होने वाला है, और इस पर DBM की लेयर तो बिछा दी जा चुकी है जो लोकल ट्रैफिक है उस पर, और जो एक्सप्रेस लेन होने वाली है उसमें देख सकते हो ये साइडों में क्या ये लगाए जा रहे हैं दोस्तों साइड वाल, देखो किस तरीके से ये अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, ये देख सकते हो आगे, और ऊपर वो बनाया जा रहा है पुलिया दोस्तों, पाबी पुश्ते पर देख सकते हो दोस्तों ये साइड वॉल लगा कर और अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, ये देखो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, तो आप लोग बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सब।